दोस्तों, क्या है राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना, जिसके अध्यक्ष सुखदेव सिंह के हत्या ने राजस्थान को हिला दिया। आप देख रहे हैं न्यूज 9। चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद की बात तो हो रही थी, लेकिन नया बखेड़ा खड़ा हो गया। मंगलवार को राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोकमड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने शोक जताया है, लेकिन हाल आ रहा है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना आखिर क्या है? क्या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है? अगर नहीं तो कैसे इसका रुतबा इतना ज्यादा है? जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रेसिडेंट अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोकमड़ी को उनके घर के भीतर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों की पहचान हो चुकी है, लेकिन फिलहाल वे फरार चल रहे हैं। इधर ये पूरी वारदात सुखदेव के घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पाया गया कि 20 सेकंड के अंदर 6 बार गोलियां चलाई गईं। घटना के बाद जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में तनाव भड़का हुआ है। सेना के लोगों के कहने पर आज राजस्थान बंद था। क्या है कर्णी सेना? ये गैर राजनीतिक संगठन है जिसकी नींव साल 2006 में लोकेंद्र सिंह कालवी ने डाली थी। कालवी खुद को रानी पद्मिनी की 37वीं पीढ़ी से बताते थे। 6 फीट से ऊंचे कालवी के कहने पर पूरा राजपूत समाज जमा हो जाता था। जल्दी उन्हें एहसास हो गया कि राजपूत भावनाओं को मंच का रूप देना है, संगठन बनाना होगा। कर्णी सेना की तैयार हुई, जिसका नाम कर्णी माता के नाम पर पड़ा। फिलहाल कालवी तो नहीं रहे, लेकिन कर्णी सेना राजपूतना संगठन के तौर पर पूरे राजस्थान में फैल चुकी है। इसका दावा है कि ये राजपूत गौरव को बनाए रखने का काम कर रही है। क्यों पैठ है राजनीतिक दलों के बीच? स्थान में राजपूतों की आबादी अच्छी खासी है। कर्णी सेना अकेला बड़ा संगठन है जो राजपूतों को बांधे रखता है, खासकर राजपूत इलाकों में इसकी काफी पैठ है। ऐसे में राजपूत वोटरों को लुभाने के लिए पार्टियां कर्णी सेना को खूब तवज्जो देती हैं। राजपूत बहुल इलाकों जैसे जयपुर के झोटवाड़ा, खातीपुर, वैशाली और मुरलीपुरा में कर्णी सेना के लोगों का एक फोन या संदेश पर जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता ही चला जा रहा है। अब बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार से सटे नेपाल के हिस्से में भी कर्णी सेना की मौजूदगी की बात होती ही है। पहली बार कर्णी सेना का नाम कुछ साल पहले आई पद्मावत फिल्म में चर्चा में आया था। का पादुकोण रणवीर सिंह शाहिद कपूर अभिनीत फिल्म को लेकर सेना ने खूब आरोप लगाया था। कहा था कि स्टोरी लाइन से राजपूतों की आन शान को ठेस पहुंच रही है, और उस समय सिनेमा घरों के सामने खूब बवाल मचा, पोस्टर जलाए गए, यहाँ तक कि कई जगहों पर फिल्म सिनेमा हॉल में भी नहीं लगने दी गई। इसके अलावा कड़ी सेना ने तब भी काफी विरोध किया था जब 10 लाख रुपए का इनामी बदमाश आनंद पाल सिंह मारा गया, राजपूत समुदाय से था। उस समय लोगों का आरोप था कि पुलिस में समर्पण के बाद भी सिंह का फेक एनकाउंटर किया गया। आजकल हिंदुत्व के मुद्दे पर कड़ी सेना काम कर रही है, जिससे इसका नाम आता ही रहता है। लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही गुट में खेमेबाजी भी होने लगी। सबका मकसद एक ही था, राजपूतों की शान बनाए रखना, लेकिन तरीके और अंदाज अलग था। कोई पद्मावत और जोधा अकबर जैसी फिल्मों में राजपूत मर्यादा को दिखाने पर हमलावर था। किसी का कहना था कि हमें इस पर नहीं बल्कि असल मुद्दे पर काम करना चाहिए। EWS आरक्षण बढ़ाने जैसे मामले पर भी बात था। अंदरूनी कलह बढ़ने पर संगठन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। राजपूत कर्णी सेवा समिति, राजपूत कर्णी सेना और राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना। तरह कर्णी सेना के 3 हिस्से हो गए। तीनों ही गुट अपने तरीके से एक ही काम पर फोकस करने लगे। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना समिति के अध्यक्ष अजीत सिंह हैं कि राजपूत कर्णी सेना को मार्च 2000 तक लोकेंद्र सिंह कालवी लीड कर रहे थे। कार्डियक अटैक से उनकी मौत के बाद फिलहाल अध्यक्ष का नाम पर जानकारी सार्वजनिक हो सकी है। गोगमेड़ी श्री राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना के अध्यक्ष थे। ये संगठन राजपूतना अस्मिता के साथ साथ हिंदुत्व पर भी बात करता था। ऐसे में इनकी लोकप्रियता बाकियों से कुछ ज्यादा मानी जाती है। ऐसे में इनकी हत्या के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 9।